परमित जी और बानी साथ में आ रही है घर में, पास्ट में उनके साथ क्या कुछ हुआ, आपको इसके बारे में तो कुछ पता चला है कि? नहीं, हमें इल्यूजन में ही रखा जाता है कि वो कनाडा में है, और हमें अभी तक कुछ नहीं पता कि वो उसके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। बट जब मुझे थोड़ा सा पता चलता है कि बानी तो यहीं पे है, तो थोड़ा सा मेरा एक मिक्स्ड रिएक्शन आता है कि वरीड भी होती हूँ कि यहाँ पे है, हमें तो ये लग रहा था कनाडा में है, हमारे पास उसका कोई नंबर नहीं होता, तो मैं उसके ससुराल में फोन करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो यहाँ पे है, तो वो कवर अप करती है कि माँ मैं अभी आई ही हूँ, सामान भी नहीं खोला, आपको फोन करने वाली थी, तो उससे जो है देशो थोड़ा सुख की सांस लेती है, चैन की सांस लेती है, रिलीव्ड फील करती है कि चलो ठीक है बेटी आएगी। बट वो फिर भी कहती है कि नहीं नहीं आज नहीं आती ना, अभी रुक के आएंगे। तो माँ ही होती है, माँ की जो ममता है वो कहती है कि नहीं 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 आप तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, कल के कल ही आना पड़ेगा, और मैंने तुम्हारे साथ जरूरी बात भी करनी है, तो वो फाइनली वो अग्री करती है। हाँ, क्योंकि वो पहली बार आ रहा है शादी के बाद हमारे घर में, हमारा दामाद, तो एक होता है ना कि घर में जब वो आएंगे तो उसको कोई ना कोई तो गिफ्ट देना है, तो हम उसके लिए घड़ी खरीदते हैं, तो जो घड़ी नो डाउट 36,000 कम रकम नहीं होती है, बट एक NRI के लिए हमें लगता है कि शायद वो कम है, तो इसलिए थोड़ा हमें लगता है कि यार घड़ी रैप की हो, उसकी जो रेट की वो एक स्लिप है वो उतारी हो, निकाली हो, ताकि परमीत को रेट ना पता चल जाए कि हमारी जो घड़ी है कितने की है, क्योंकि हमें लगता है वो तो लाखों की घड़ी पहनता होगा। हाँ, इसलिए आप शो में कुछ दर्शकों को करना चाहेंगे कि प्रोग्राम के बारे में? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज तक आप हमें प्यार देते आए हैं, तो प्लीज 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 इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए, और ये जो एक हमने कॉन्सेप्ट लिया है कि पेरेंट्स जो अपनी बच्चियों को बिना जांच पड़ताल किए NRI लड़के के पीछे एकदम लग जाते हैं कि उससे शादी होनी चाहिए NRI से ही, जो मेरा किरदार रहा है कि कनाडा का ही लड़का होना चाहिए, कनाडा का ही लड़का होना चाहिए, आज मेरी लड़की क्या क्या भुगत रही है, तो वो चीज़ें असलियत में भी होती हैं, ये टोटल रियलिस्टिक स्टोरी है, तो प्लीज़ आप इसी तरीके से इसे प्यार देते रहिए, और मैं हर माँ बाप को एक गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ 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 आप जब भी कभी आपकी एक तमन्ना हो कि हमारी लड़की बाहर सेटल हो, तो कम से कम जांच पड़ताल उस लड़के के बारे में ज़रूर कर लीजिए, ऐसे ही आंखें बंद करके रिश्ता मत कर देना, जो गलती देशों ने की है प्लीज़ आप मत करना, ताकि आपकी लड़की की शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल रह सके। थैंक यू। आज के सीन में क्या चल रहा है? आज का जो हम सीन शूट कर रहे हैं वो तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि मैं फोन करके हटी हूँ अपनी बेटी को बानी को, जो हमें ये लगता है कि वो कनाडा से वापस इंडिया आई है, और उसको मैंने कहा है कि तू अपने हस्बैंड को लेकर हमारे घर पे आने वाली है, क्योंकि जो परमीत है मेरा दामाद है वो पहली बार शादी के बाद हमारे घर आने वाला है, तो इसलिए उस घर की पूरी तैयारियां चल रही हैं, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि बानी आ रही है घर पे, तो उसी चक्कर में जो देशो है यानी जो मेरा किरदार है वो पूरे गांव को भी न्योता दे आता है कि मेरी दामाद और बेटी आ रहे हैं, जो हम लोगों को सबको यही लगता है कि वो कनाडा रिटर्न्ड है, तो वो आ रही है घर में, क्या क्या मीठा क्या कुछ खाने पीने की? हमने हलवाई बुलाया है जिसमें जलेबी होगी, जो रज्जी की भी फेवरेट है जलेबी, और तंदूर लगाया है, ऑब्वियसली मिठाइयाँ तो आएंगी ही, जब भी कोई गेस्ट आता है हमारे घर में मिठाइयाँ खूब सारी आती हैं, क्योंकि पंजाबियों में तो कुछ भी होता है जरा सा भी तो मिठाई तो आ ही जाती है, इसलिए उसमें तो परमित जी और बानी साथ में आ रही है घर में, पास्ट में उनके साथ क्या कुछ हुआ, आपको इसके बारे में तो कुछ पता चला है? नहीं, हमें इल्यूजन में ही रखा जाता है कि वो